हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किनेमास्टर में ये हाइलाइटेड इफेक्ट्स कैसे लगा सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी तरह की वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें अगर आपको कोई पॉइंट पे ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है तब आप ये हाइलाइटेड इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। एंड यार, किसी ने ये भी पूछा था कि मैं ये ब्रश वाला इफेक्ट जो है टेक्स्ट के पीछे वो कैसे लगाता हूं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सपोज कि मुझे न्यूज़पेपर कटिंग का ये वाला पार्ट जो है इसको हाईलाइट करना है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, सबसे पहले किनेमास्टर में जाके यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके ऊपर इस न्यूज़पेपर कटिंग का लेयर ऐड कर देंगे। उसके बाद एनिमेशन की सेलेक्ट करके यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देंगे और इसका साइज इस तरह से थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। अब उसके बाद वापस से लेयर के ऑप्शन पे जाके यहाँ से हमें एक सॉलिड कलर का लेयर सेलेक्ट कर लेना है और इसको जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है यार कि आपको लाइट कलर सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज अगर आपने कोई डार्क कलर सेलेक्ट कर लिया जैसे ब्लैक ब्लू तो हाइलाइटर का इफेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं आ पाएगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा येलोइश कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ क्रॉप के ऑप्शन पे जाके आपको जितना पार्ट हाईलाइट करना है उस हिसाब से इसको क्रॉप कर लेंगे। तो मुझे इतना पार्ट हाईलाइट करना है तो मैं इसको इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉपिंग हो जाने के बाद इन एनिमेशन में जाके आपको यहाँ से वाइप राइट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप यहाँ से चाहें तो इसका ड्यूरेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आउट एनिमेशन में जाके वाइप राइट या वाइप लेफ्ट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद फाइनली आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लेना है। नाउ इसके लेयर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और अब इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए हाइलाइटर का इफेक्ट इसमें आ गया है। अब इसमें एक और काम बाकी है कि इसमें हाइलाइटर का साउंड इफेक्ट ऐड करना है, तब ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो ये साउंड इफेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अब इसको एक बार और प्ले करेंगे तो ये देखिए अब हाइलाइटर का इफेक्ट इसमें पूरी तरह से आ गया है। तो ये था हाइलाइटर इफेक्ट लगाने का पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ लेयर में जाके हैंडराइटिंग टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको स्क्वायर का शेप सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ कोई लाइट कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो पार्ट आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ इन एनिमेशन के ऑप्शन में जाके वापस से आपको वाइप राइट सेलेक्ट कर लेना है और ऑटो एनिमेशन में वाइप राइट या वाइप लेफ्ट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाके भी आपको वापस से मल्टीप्लाई का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और इसमें साउंड इफेक्ट ऐड करने के बाद अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर का इफेक्ट बहुत अच्छे से ऐड हो गया है। एंड ये इफेक्ट्स ऐड करने से आपका वीडियो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगने लगता है। तो इसलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो एडिट करें तो ये हाइलाइटर इफेक्ट्स लगाने की कोशिश जरूर करिएगा। नाउ मैं टेक्स्ट के पीछे ब्रश बैकग्राउंड वाले इफेक्ट कैसे लगाता हूँ इसके बारे में आप जानते हैं। नाउ उसके लिए सबसे पहले यहाँ टेक्स्ट का लेयर ऐड करते हैं। अब ये लेयर ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ से ब्रश बैकग्राउंड का लेयर भी ऐड कर लेना है। इसको अभी आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप पिक्सेल ऐप में जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कलर के ऑप्शन पे जाके इसको ऑन कर देंगे और अब यहाँ से आप जो भी कलर चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका लेयर किनेमास्टर में यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको इसका साइज एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से इसके लेयर को टेक्स्ट के लेयर के पीछे कर देना है। अब उसके बाद इन एनिमेशन पे जाके आपको वाइप राइट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और ऑटो एनिमेशन पे वाइप राइट या वाइप लेफ्ट अगेन आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट के पीछे ब्रश बैकग्राउंड का लेयर ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप अपने भी वीडियोस में हाइलाइटर इफेक्ट्स या ब्रश बैकग्राउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।